चीन ने अपनी टू चाइल्ड पॉलिसी को खत्म करने का फैसला लिया है। अब चीन में कपल को तीन बच्चे तक पैदा करने की आज़ादी होगी। बूढ़ी होती आबादी, जनसंख्या बढ़ने की धीमी रफ्तार और वर्क फोर्स की संख्या में आ रही गिरावट से चिंतित होकर चीनी सरकार ने यह कदम उठाया है। हाल ही में चीन की जनसंख्या के आंकड़े सामने आए थे, जिसमें पता चला कि चीन की आबादी का बड़ा तबका तेजी से बूढ़ा हो रहा है। ऐसे में भविष्य की चिंताओं को देखते हुए चीन को ये कदम उठाना पड़ा। आंकड़ों के मुताबिक 2010 से 2020 के बीच चीन में जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार 0.53% थी, जबकि साल 2000 से 2010 के बीच ये रफ्तार 0.57% पर थी। आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में चीन में सिर्फ 12 मिलियन बच्चे पैदा हुए, जबकि 2016 में ये आंकड़ा 18 मिलियन था। यानी चीन में साल 1960 के बाद बच्चों के पैदा होने की संख्या भी सबसे कम पर पहुंची। चीनी मीडिया के मुताबिक नई पॉलिसी को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मंजूरी मिल गई है। यानी दशकों से चली आ रही टू चाइल्ड पॉलिसी को अब चीन ने खत्म कर दिया है। चीन ने 1970 के दशक के आखिर में तेजी से बढ़ती जनसंख्या दर को धीमा करने के लिए एक बच्चा पैदा करने की नीति की शुरुआत की थी। इसके बाद देश में बुजुर्गों की आबादी बढ़ने और वर्क फोर्स घटने के डर से 2016 में से बदलकर दो बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी थी। फिर भी उम्मीद के मुताबिक नतीजे न मिलने पर चीन की सरकार ने एक बार फिर इस नीति को बदलकर तीन बच्चों की अनुमति दे दी है। क्वैक क्वैक।